नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपके अपने ऑनलाइन चैनल टारगेट आलोक से मैं वीके शुक्ला आपका स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूं। कैसी चल रही पढ़ाई आप लोगों की? उम्मीद करते हैं कि बेहतर होगी, है ना? बेस्ट, अच्छी तरीके से चल रही होगी। चीज़ें क्लेरिफाई भी हो रही हैं, समझ में भी आ रहा है, कमेंट्स भी मैं आप लोगों के देख रहा हूँ, बहुत अच्छे आ रहे हैं। चलिए, इसी बीच में एक सूचना, ज़रूरी सूचना है जो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। UPSI 2019 के लिए जो हमारे ऑनलाइन बैचेस चल रहे हैं उनमें प्रवेश प्रक्रिया जो है अभी भी प्रारंभ है, तो नीचे स्क्रॉल बार में जो डिटेल्स चल रहे हैं उन डिटेल्स पर आप जो है उस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए हमारे ऑनलाइन बैचेस में अभी भी एडमिशन आप ले सकते हैं, है ना? तो जल्द से जल्द आप अपने एडमिशन प्रक्रिया पूरी करिए, अपनी सीट को सुनिश्चित करिए। हमारी टीम जो है आलोक सर के निर्देशन में एकदम सशक्त और प्रतिबद्ध है इस बात के लिए कि बेहतर चीज़ आपको प्रोवाइड की जाए, बेहतर मटेरियल, बेहतर नोट्स आपको उपलब्ध कराया जाए, और ताकि आपकी सिलेक्शन जो है वो उसकी राह आसान हो सके। ठीक है, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, मेहनत करेंगे तो कुछ भी असंभव नहीं है। सही दिशा में और सही तरीके से यदि प्लान करके कोई चीज़ कर किया जाता है, कोई रणनीति के तहत जब हम किसी कार्य को करते हैं, तो सफलता जो है वो बहुत दूर नहीं होती दोस्तों। लेकिन यदि हम किसी चीज़ को प्लान के तहत नहीं करते, एक योजनाबद्ध तरीके से नहीं करते हैं, तो सफलता फिर नहीं मिलती है। पढ़ते तो बढ़ते रहिए आप, चाहे जितना किसी भी तरीके से आप पढ़ते रहिए, लेकिन यदि आप योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्य को अंजाम नहीं दे रहे हैं, तो फिर वहाँ पर असफल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो एक योजनाबद्ध तरीके से हम पढ़ाई करेंगे कि कैसे हम सिलेक्शन ले सकते हैं। चारों सेगमेंट जो आपके UPSI के हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और आपका GS, जिसमें संविधान, मूल विधि और जो भी GS का पोर्शन आता है, तो किसी भी पोर्शन को आपको इग्नोर नहीं करना है, किसी भी पोर्शन को आपको कम नहीं आंकना है, हर पोर्शन को आप बराबर समय दीजिए और बराबर मेहनत करते रहिए। चलिए, आज हम मूल विधि में, अभी तक जो आपने पढ़ा है, चार क्लासेस हो चुकी हैं हमारी, आज ये पांचवी क्लास है मूल विधि की आपकी। मूल विधि में अभी तक हमने भारतीय दंड संहिता में जो चीज़ें पढ़ी वो आत्मरक्षा का अधिकार, साधारण अपवाद, है ना, इन चीज़ों का हमने अध्ययन कर लिया है। चलिए, आज हम आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ जो है इंट्रोडक्शन वो CRPC का दे देते हैं। ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता। कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे कि क्या सर CPC के भी प्रश्न पूछे जाते हैं क्या? मैं आपको बता दूं कि CPC सिविल प्रक्रिया संहिता कही जाती है, और CPC का कहीं प्रावधान आपके पूरे पाठ्यक्रम में UPSI के पाठ्यक्रम में नहीं दिया गया है। ठीक है, CRPC का हम आपको आज थोड़ा सा एक ब्रीफ जो है वो करेंगे कि किस तरह से CRPC में पुलिस, कोर्ट और जेल अथॉरिटीज कार्य करती हैं। पुलिस और कोर्ट किस तरह से मिलकर अभियुक्त को सजा सुनाने या उसे निर्दोष होने की उपधारणा या निर्दोषिता का जो है वो मापदंड तैयार करते हैं। ठीक है, चल स्टार्ट करते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता 1973। ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता 1 अप्रैल सन 1974 को जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू हुई। ठीक है, इसमें कुल 37 अध्याय और 484 धाराओं का संकलन है। कितनी है? 484 धाराओं का संकलन किया गया है आपके दंड प्रक्रिया संहिता में, 484 धाराओं का संकलन किया गया है। ठीक है, इसमें कुल 2 अनुसूचियां बताई गई हैं, 2 शेड्यूल बताए गए हैं। ठीक है, 2 शेड्यूल बताए गए हैं इसमें, तो शेड्यूल कितने हैं? 2 हैं। फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है आपका कौन से अपराध जो है वो कैसे ट्राइबल है, मीन्स उनका कैसे है वो अपराध, संज्ञेय है, असंज्ञेय है, जमानतीय है या अजमानतीय है,
और वह अपराध किसके द्वारा विचारणीय है, मीन्स कौन सा न्यायालय उस अपराध का विचारण करेगा। ठीक है, तो न्यायालय कौन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको भी बता देता हूं ट्रायल कोर्ट कितने प्रकार के होते हैं, विचारण न्यायालय कितने प्रकार के होते हैं। हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये चार जो है विचारण न्यायालय भारत भारतीय वो माफ कीजिएगा दंड प्रक्रिया संहिता में बताए गए हैं। चार विचारण न्यायालय बताए गए हैं, कौन कौन से, उच्च न्यायालय, सत्र न्यायालय जिसे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, सत्र न्यायालय जिसमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के अधिकार जो है न्यायिक अधिकारी होते हैं। उसके बाद आता है जुडिशियल ऑफिसर्स यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, क्लास वन जो होते हैं वो जिन्हें आप कहते हैं सिविल जज जूनियर डिवीजन। ठीक है, सिविल जज जूनियर डिवीजन कहे जाते हैं वो। और उसके बाद होते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी कार्यपालक दंडाधिकारी का न्यायालय, यह न्यायालय भी विचारण न्यायालय होता है। कौन होता है, कार्यपालक दंडाधिकारी का न्यायालय। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि शेड्यूल में क्या है। तो पहले शेड्यूल में अपराध संगे असंगे जमानती अजमानती और वो किन न्यायालय द्वारा किन न्यायालयों द्वारा विचारणीय बताया गया है। ठीक है, तो ये प्रथम शेड्यूल। और दूसरे शेड्यूल में क्या दिया गया है, दूसरे शेड्यूल में दिया गया है अपराधों का जो है वो प्रोफार्मा बताया गया है। प्रोफार्मा बताया गया है कि किस प्रोफार्मा में किस तरह के अपराधों का संकलन किया जाएगा। मान के चलिए मैं कैसे प्रोफार्मा की बात आपको कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए किसी को फांसी की सजा सुनाई गई, तो जो फांसी की सजा सुनाई गई तो उस सजा का क्या होगा, निष्पादन किया जाएगा, एग्जीक्यूशन किया जाएगा। तो उस सजा का जब एग्जीक्यूशन किया जाएगा तो एग्जीक्यूशन का क्या प्रोफार्मा होगा, कैसे वो लिखा जाएगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको यहां पे दे रहा हूं, मान लीजिए जब किसी मुलजिम पर एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और इन्वेस्टिगेशन के बाद उसको जब न्यायालय में लाया जाता है तो न्यायालय में आरोप तय किए जाते हैं। आरोप तय किए जाते हैं, तो जब आरोप तय किए जाते हैं तो वहां पर यह पूछा जाता है अपराधी से कि क्या आपने यह अपराध किया है या नहीं किया है। तो आरोप का एक प्रोफार्मा होता है, आरोप कैसे लिखे जाते हैं, तो मैं आपको एक प्रोफार्मा बता रहा हूं कैसे लिखे जाते हैं। उसमें लिखा जाता है कि मैं जज का नाम, आप अभियुक्त जो भी नाम होगा अभियुक्त का, फला फला पर यह आरोप लगाता हूं। ठीक है, कि आपने दिनांक 7/5/2018 को घटनास्थल का नाम लिखेंगे और समय लिखेंगे, वहां पर जो भी अपराध किया उसकी डिटेल लिखेंगे, उसके बाद आपने ये अपराध किया जो भारतीय दंड विधान या जिस भी दंड विधान के तहत वो दंडनीय होगा के तहत, इस धारा के तहत वो दंडनीय है, क्या आपके द्वारा किया गया अपराध आपको स्वीकार है या विचारण चाहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आरोप का प्रोफार्मा। तो ये सारे प्रोफार्मा शेड्यूल टू में अनुसूची दो में बताए गए हैं। ठीक है, तो हम आपको बता दिए 1 अप्रैल 1974 को पूरे भारत में लागू हुआ जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर। ठीक, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए थे इंडियन पिनल कोड में कि सर अब तो धारा 370 रिपील कर दी गई, क्या जम्मू कश्मीर राज्य में यह अब लागू हो जाएगा कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर राज्य में अभी 31 अक्टूबर को चीजों को इंप्लीमेंट होना है, अभी तो वहां से हटाई गई हैं चीजें, अब वहां पर इंप्लीमेंटेशन होना है, तो वो फिर देखने की बात है कि क्या परिस्थितियां बनती है, कैसे चीजें वहां पर निर्मित होती है। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं सीआरपीसी। ठीक, तो सीआरपीसी आपको समझ में आ गया होगा क्या चीज यहां पर है, कैसे करना है सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता। तो मैं आपको आज दंड प्रक्रिया संहिता का एक ब्रीफ बता रहा हूं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं सबसे पहला टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एफआईआर। ठीक है, एफआईआर क्या होती है। ठीक है, बहुत सारे टर्मिनोलॉजी, बहुत सारे शब्दावली आपको जो है यहां देखने को मिलेंगे, पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, तो वहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है
दंड प्रक्रिया संहिता में वो है एफआईआर। ठीक है, हम आपको देखते हैं एफआईआर क्या होती है। एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। प्रथम सूचना प्रतिवेदन, प्रथम सूचना प्रतिवेदन, प्रथम सूचना प्रतिवेदन। ठीक है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। यदि एक लिटरल उसमें देखा जाए बेटा, तो भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की किसी भी धारा में कहीं पर भी एफआईआर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। कहीं पे भी एफआईआर शब्द का इस्तेमाल नहीं है, कहीं पे भी किसी भी सेक्शन में। कुल 484 धाराएं आप पढ़ डालिए, अगर आपके पास बेयर एक्ट होगा तो कहीं पे भी आपको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जैसा शब्द नहीं मिलेगा किसी भी धारा में। ठीक, लेकिन मैं आपको बता दूं कि धारा 154, धारा 154 में यह लिखा गया है। पहले एक चीज आप बताइए, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था जब एक ब्रीफ दिया था सीआरपीसी का, कि अपराध जो एफआईआर दर्ज होती है वो एफआईआर किस अपराध की दर्ज होती है, संज्ञेय अपराध की या असंज्ञेय अपराध की। जल्दी से कमेंट्स में बताना है आपको कि संज्ञेय अपराध की एफआईआर दर्ज होती है या असंज्ञेय अपराध की। ठीक है, यदि आप कह रहे हैं कि आप संज्ञेय अपराध की एफआईआर दर्ज होती है, ठीक है, तो आप बिल्कुल सही है, संज्ञेय अपराध की ही एफआईआर दर्ज होती है। ठीक, तो धारा 154 की हेडिंग जो लिखी है वो ये बताई गई है कि संज्ञेय अपराध के संबंध में पुलिस को दी जाने वाली प्रथम सूचना रिपोर्ट ही जो है एफआईआर कहलाती है। ठीक है, यानी कोई संज्ञेय अपराध घटा और उसके संबंध में पुलिस को जैसे ही सूचना प्राप्त होती है, सूचना चाहे जिस माध्यम से प्राप्त हो, चाहे टेलीफोन के माध्यम से सूचना प्राप्त हो, चाहे किसी अन्य तरीके से, चाहे पीड़ित खुद जाकर वहां पर बयान दे, या पीड़ित जाके या पीड़ित के बिहाफ पर कोई व्यक्ति जाके एफआईआर दर्ज कराता है, वो एफआईआर माना जाता है। ठीक है, अब एफआईआर दर्ज हो गई, तो एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या प्रक्रिया है? पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बाद तुरंत इन्वेस्टिगेशन करती है, विवेचना करती है, और विवेचना करते समय पुलिस क्या करेगी, सारे साक्ष्यों को, सारे सबूतों को, सारे गवाहों के जो स्टेटमेंट होंगे उनको पुलिस क्या करेगी, रिकॉर्ड करेगी। ठीक है, पुलिस रिकॉर्ड करती है जिसमें जिसमें पीड़ित के बयान दर्ज किए जाते हैं। प्रश्न यहां पर यह आता है दोस्तों कि मान लीजिए पीड़ित के ऊपर गोली चलाई गई, पीड़ित के ऊपर गोली चलाई जाती है और पीड़ित व्यक्ति ये बयान थाने में दे देता है कि साहब फला फला व्यक्ति ने हमारे ऊपर गोली चलाई, उसकी बयान जो है वो दर्ज कर लेती है पुलिस। लेकिन सपोज करिए इन्वेस्टिगेशन चलते चलते चौथे पांचवें छठवें दिन पीड़ित की डेथ हो जाती है, पीड़ित व्यक्ति मर जाता है, तब यहां पर पीड़ित व्यक्ति द्वारा जो बयान दिया गया था एफआईआर के समय, उस बयान की रिलेवेंसी क्या रह जाएगी, उपयोगिता क्या रह जाएगी? जो पीड़ित ने बयान दिया है, स्टेटमेंट दिया गया है, उस स्टेटमेंट को मृत्युकालिक कथन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, मृत्युकालिक कथन एज ए डाइंग डिक्लेरेशन जो है उसको इस्तेमाल किया जाएगा, डीडी के रूप में, डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में उसको यूज किया जाएगा कि जो व्यक्ति पीड़ित था उस समय घटना के तुरंत बाद उसने जो पुलिस को बयान दिया है, उस बयान को ही मृत्युकालिक कथन मान लिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि अकेले मृत्युकालिक कथन के आधार पर अभियुक्त को सजा सुनाई जा सकती है, अभियुक्त को सजा हो सकती है, उसके लिए किसी भी इंडिपेंडेंट विटनेस की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार से स्वतंत्र साक्षियों की जरूरत नहीं है।
ठीक है, ये यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो पुलिस क्या करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी। इन्वेस्टिगेशन का पर्पज क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है इन्वेस्टिगेशन का, ठीक है। चलिए हम आपको यहां बताएंगे कि इन्वेस्टिगेशन का उद्देश्य क्या है, अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्यों को एकत्र करना, ठीक है, गवाहों को एकत्र करने की, गवाही एकत्र करना, साक्ष्य एकत्र करना ही इसकी, इसका एफआईआर का, सॉरी इन्वेस्टिगेशन का उद्देश्य होता है, ठीक है। सपोज करिए आप पुलिस थाने में जाते हैं, ठीक है, पुलिस के पास आप जाते हैं, आप पुलिस से कहते हैं साहब कोई संज्ञेय अपराध हुआ है जिसकी आप एफआईआर दर्ज कर लीजिए। पुलिस क्या करती है, अपराध दर्ज करने से मना कर देती है। पुलिस अधिकारी आपको वहां से डांट फटकार के भगा देते हैं कि जाओ भागो यहां से, कोई एफआईआर नहीं दर्ज होगी, कहीं कोई अपराध नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि वो किसी दूसरे पक्षकार से किसी भी तरीके से प्रभावित है, ठीक है, वो उनके प्रभाव में है, जिसके कारण वो किसी प्रकार से जो है वो अपराध को माफ कीजिएगा, जिस किसी प्रकार से वो करने से मना कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि जब ऐसी कोई कंडीशन आती है, ठीक है, जब इस तरह की कोई कंडीशन आती है जिससे यदि थाने के पुलिस अधिकारी आपकी एफआईआर को लिखने से मना कर दे, पुलिस अधिकारी आपकी एफआईआर दर्ज करने से मना कर दे, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, मैं आपको बता दूं, उस कंडीशन में आपके पास विकल्प क्या है, उस कंडीशन में आपके पास दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता यह है कि आप जिले के पुलिस कप्तान को, सुपरिटेंडेंट आप पुलिस को एक रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा अपनी सूचना को लेखबद्ध करके भेजेंगे कि श्रीमान मैं पीड़ित हूं, मेरे साथ यह अपराध घटित हुआ था, और मैं अपने निकटतम थाने में जब एफआईआर दर्ज कराने गया तो वहां के थाना प्रभारी महोदय ने हमको जो है भगा दिया, हमारी एफआईआर दर्ज नहीं की गई, ठीक। तो पुलिस अधिकारी, जब पुलिस जो सुपरिटेंडेंट आप पुलिस हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय के पास जब यह पहुंचेगा, तो उसके एक माह के अंदर यदि पुलिस अधीक्षक महोदय कोई एक्शन ले लेते हैं, कोई कार्य कर देते हैं, तो ठीक है, अदरवाइज आपके पास विकल्प बचता है कि न्यायालय में आप क्या करेंगे, कंप्लेंट फाइल करेंगे, परिवाद दाखिल करेंगे। परिवाद दाखिल करेंगे, परिवाद दाखिल करते समय आप जो रजिस्टर्ड डाक द्वारा एक कॉपी भेजते हैं, उसकी कॉपी के साथ आपको कंप्लेंट फाइल करना पड़ेगा कि श्रीमान जो एफआईआर हमारी नहीं दर्ज की गई थी, उसके संबंध में हमने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को भी अवगत करा दिया, परंतु एक माह से अधिक का समय बीत जाने के कारण मुझे यह कंप्लेंट फाइल करनी पड़ रही है, ठीक है। कंप्लेंट जब फाइल करते हैं तो कंप्लेंट के समय मजिस्ट्रेट क्या करेगा, तुरंत जो विटनेस होंगे, जो पीड़ित होंगे, उनकी शपथ पर परीक्षा करेगा, एग्जामिनेशन करेगा, और यदि उसको लगता है कि हाँ वास्तव में कोई अपराध हुआ है, कोई अपराध किया गया है पीड़ित के साथ, तो उस कंडीशन में पीड़ित व्यक्ति क्या करेगा, उस कंडीशन में पीड़ित व्यक्ति के लिए न्यायालय या आदेशित करेगा पुलिस को, किस धारा में, धारा 156(3). ये बहुत सारे लोग सुने होंगे, भले जानते ना हो ये क्या है, पर कहते हैं कि 156(3) के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों को यह पता होता है कि धारा 156(3) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तो धारा 156(3) क्या है, धारा 156(3) में पुलिस को यह आदेशित किया जाता है न्यायालय द्वारा कि ये जो कंप्लेंट फाइल की गई है, इसके आधार पर आप मुकदमा दर्ज करें, यानी एफआईआर दर्ज करें, और विवेचना करने के बाद रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें कि क्या वास्तव में पीड़ित के साथ कोई अपराध हुआ है या नहीं हुआ है। यदि पीड़ित के साथ कोई अपराध हुआ है, कोई घटना घटी है, तो उसके संबंध में न्यायालय में चार्जशीट फाइल की जाती है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया कि एफआईआर दर्ज ना होने की कंडीशन में आपके पास कितने विकल्प हैं, आपके पास दो विकल्प हैं।
पहला मैंने बताया आपको कि आप जिले के कप्तान को, पुलिस अधीक्षक महोदय को एक रजिस्टर्ड लेटर भेजेंगे। यदि वो एक माह के अंदर कोई एक्शन ले लेते हैं, कोई कार्य कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि एक्शन नहीं लेते हैं, कार्यवाही नहीं करते हैं, तो दोस्तों आपके पास दूसरा विकल्प बचता है परिवाद का। ठीक है, परिवाद की पूरी प्रक्रिया मैंने आपको बता दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं। यहाँ पर ठीक है, अब यहां पर आप 156(3) के तहत मुकदमा दर्ज हो गया, विवेचना हो गई। अब न्यायालय के समक्ष जब मुलजिम लाया जाता है, ठीक है, न्यायालय के समक्ष जब मुलजिम लाया जाता है तो न्यायालय क्या करेगा? न्यायालय सबसे पहले मुलजिम के ऊपर आरोप तय करता है। आरोप तय किए जाते हैं, आरोप में क्या लिखा जाता है? आरोप में यह लिखा जाता है कि क्या आपने यह अपराध किया है या नहीं किया है। यदि आपने यह अपराध किया है तो क्या आप उस अपराध को स्वीकार कर रहे हैं या नहीं स्वीकार कर रहे हैं। यदि आप वह अपराध स्वीकार कर लेते हैं तो आपको तुरंत दंड दे दिया जाएगा, अदरवाइज आपका ट्रायल किया जाएगा, आपका विचारण प्रारंभ कर दिया जाएगा। ठीक है, आपका जब विचारण प्रारंभ कर दिया जाएगा तो विचारण की कंडीशन में आपको गवाह, आपके सबूत, आपके साक्ष्यों की लिस्ट आपको प्रस्तुत करनी पड़ेगी न्यायालय में। ठीक है, जब न्यायालय में इन सबको आप प्रस्तुत करेंगे तो उसके बाद फिर इन साक्षियों की और पीड़ित की परीक्षा की जाती है। परीक्षा मीन्स गवाही होती है। ठीक है, परीक्षा की जाती है। परीक्षा तीन कंडीशन होते हैं, तीन लेयर होते हैं परीक्षा के। पहले परीक्षा क्या होती है? वो कहलाती है मुख्य परीक्षा, एग्जामिनेशन इन चीफ, मुख्य परीक्षा। इसको इंग्लिश में कहते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ, इन चीफ। दूसरा है प्रति परीक्षण या प्रति परीक्षा, प्रति परीक्षा। इसको कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन। फिर जो आखिरी स्टेप होता है वो होता है पुनः परीक्षण, पुनः परीक्षण, री एग्जामिनेशन। एक चीज मैं बताना आपको भूल गया, बता देता हूँ, या बीच में याद आ गया है कि यदि FIR पुलिस अधिकारी ने डिले लिखी है तो डिले लिखने का भी इम्पैक्ट पड़ता है। यदि अननेसेसरी घटना एक दिन पहले की है और FIR दो दिन बाद लिखी जा रही है तो यहाँ पर डिले FIR लिखना कहीं ना कहीं पुलिस की कार्रवाई को संदिग्ध बना देता है। यदि पुलिस अधिकारी न्यायालय के समक्ष FIR डिले होने का कारण स्पष्ट रूप से नहीं बता पाते हैं, स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, तो हम आपको बता दें दोस्तों, वहां पर अभियुक्त को, यहां पर अभियुक्त को क्या मिल जाएगा? बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता है कि क्यों इतनी डिले की गई FIR, यदि FIR को लिखने में अननेसेसरी का डिले हुआ है, किसी भी तरीके से अननेसेसरी का डिले किया गया है। ठीक है, चलिए, परीक्षा हम आपको बता रहे थे कि आरोप तय किए जाने के बाद गवाही होती है, और गवाही में क्या होता है? पीड़ित के गवाह और अभियोजन के गवाह। अभियोजन मीन्स पुलिस के गवाह, जो अभियोजन जो है पीड़ित की तरफ से होते हैं, तो पीड़ित के गवाह क्या कहे जाएंगे? वो अभियोजन के गवाह कहे जाते हैं, और अभियुक्त के गवाह क्या कहे जाते हैं? वो बचाव के गवाह कहे जाते हैं, डिफेंस के विटनेस कहे जाते हैं। ठीक है, तो चाहे वो डिफेंस के विटनेस हो, चाहे विक्टिम के विटनेस हो, प्रोसिक्यूशन के विटनेस हो, उन
सभी को ये तीन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। पहले होती है उनकी मुख्य परीक्षा, मुख्य परीक्षा के बाद प्रति परीक्षण और फिर पुनः परीक्षण। ठीक है, तो मुख्य परीक्षा क्या होती है? मुख्य परीक्षा उस पक्षकार के द्वारा की जाती है जिस पक्षकार ने जिस विटनेस को बुलाया है। जैसे मान लीजिए मुझे बुलाया है, यहां पर मान लीजिए ये दो पार्टी हैं, ए वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ए वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ए यहां पर क्या है? अभियुक्त है। ठीक है, और पीड़ित की तरफ से कौन लगता है? राज्य सरकार मुकदमा लड़ती है, तो पीड़ित की तरफ से स्टेट ऑफ यूपी हो जाएगा, मीन्स ये प्रोजिक्यूशन हो जाएंगे, अभियोजन हो जाएंगे ये। ठीक है, तो मान के चलिए मुझे किसने बुलाया है? ए ने बुलाया है। तो पहले मेरा विटनेस, मेरी एविडेंस कौन रिकॉर्ड करवाएगा? ए, क्योंकि मैं किसका गवाह हूं? ए का गवाह हूं। ठीक है, तो पहले मेरा विटनेस एग्जामिनेशन कौन करवाएगा? ए करवाएगा। अब मैंने जो चीजें कही हैं, ठीक है, उनके संबंध में कहे गए उत्तरों के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन कौन करेगा? प्रोसिक्यूशन। सपोज करिए कैसे होता है क्रॉस एग्जामिनेशन, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्रॉस एग्जामिनेशन, ए ने कहा, मैं एक ही तरफ से आया था, मेरा काम क्या है, मान लीजिए मैं दैनिक मतलब डेली कमाता हूं, खाता हूं, कोई एक मजदूर हूं, 300 रुपए रोज मुझे मिलते हैं। ठीक है, आज मैं कोर्ट में गवाही देने आया हूं। ठीक है, तो कोर्ट में मैं गवाही दे रहा हूं कि साहब जिस दिन घटना घटी है उस दिन ए जो है वो मेरे साथ था। ठीक है, या जो भी बात है मैं बताता हूं। यहां पर प्रोसिक्यूशन मुझसे क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। क्रॉस एग्जामिनेशन में प्रोसिक्यूशन मुझसे यह पूछ सकता है कि बताइए आप काम क्या करते हैं। तो मैं बता, साहब मैं दैनिक मजदूर हूं, रोज कमाता हूं, रोज खाता हूं। ठीक है, तो यहां पर कहेंगे कि यानी रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, तो आज तो आप यहां गवाही देने आए हैं, तो आज शाम को आप क्या खाएंगे, अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? ठीक है, क्या कमाएंगे? तो कहीं ना कहीं यह बात आ रही है कि आज का जो खर्च होगा वो अभियुक्त देगा, मींस जिसकी तरफ से मैं आया हूं। तो मेरी विटनेस का, मेरी एविडेंस की वैलिडिटी क्या हो रही है? घट रही है। क्रेडिबिलिटी क्या हो रही? घट रही है। मेरे द्वारा दी गई जो एविडेंस है उसकी विश्वसनीयता क्या हो रही है? कम हो रही है। कैसे कम हो रही है? कि जो आदमी 300 रुपए डेली कमा खा रहा है, आज वो दिन भर यहां न्यायालय में रहेगा, कोर्ट में रहेगा, कचहरी में रहेगा, तो वो शाम को क्या खाएगा? निश्चित है कहीं ना कहीं ये कहा हो गया होगा कि चलो आज गवाही दो, आज का तुम्हारा जो कमाई धमाई का खर्चा है वो मैं उठाऊंगा। तो जो आदमी पैसा लेकर कोर्ट में आया है उसकी विटनेस पर, उसकी एविडेंस पर विश्वास कैसे किया जाए? क्या जो व्यक्ति पैसा लेकर काम कर रहा है, पैसा लेकर आया है, उसकी साक्ष्य की विश्वसनीयता क्या वो भरोसे योग्य है? नहीं। यहां पर उस चीज की क्रेडिबिलिटी क्या होगी? कम होती चली जाएगी। क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता कम होती चली जाएगी। ठीक, यदि क्रॉस एग्जामिनेशन करते समय, प्रति परीक्षण करते समय कोई नया तथ्य निकलकर सामने आ गया, कोई नया तथ्य निकल के सामने आ गया, तो उसके संबंध में पुनः परीक्षा की जाएगी। किसके द्वारा? इनके द्वारा। तीनों परीक्षाओं का क्रम समझ में आ गया। एग्जामिनेशन इन चीफ कौन करता है? मुख्य परीक्षा वह पक्षकार करता है जिस पक्षकार ने उस गवाह को बुलाया है। क्रॉस एग्जामिनेशन कौन करता है? हमेशा विपरीत पार्टी करती है, ध्यान रखिएगा। क्रॉस एग्जामिनेशन वो नहीं करता है, किसने, कौन? जो बुलाता है वो करता है। एक कंडीशन उसकी बहुत अलग है, मैं आपको बता दूं, जब गवाह होस्टाइल हो जाता है। ये आपने सुना होगा, कई बार पेपर में पढ़ा होगा, न्यूज में पढ़ा होगा, पुस्तकों में पढ़ा होगा कि होस्टाइल विटनेस हो गया, गवाह पलट जाते हैं। होस्टाइल विटनेस का अर्थ क्या होता है? होस्टाइल विटनेस का अर्थ यह होता है कि वह विटनेस सच बोलने का इरादा ना रखता हो, वह सच बोलने की इच्छा ना रखता हो, ऐसा पक्षकार, ऐसा व्यक्ति होस्टाइल विटनेस कहलाता है।
ठीक है, उसको कहते हैं पक्षद्रोही साक्षी। मीन्स जिस पक्ष ने उसको बुलाया है वह उसी का समर्थन ना कर रहा हो, ऐसा साक्षी जो है वो पक्षद्रोही साक्षी कहलाता है। जो साक्षी, जो पक्षकार ने उसको बुलाया है वह उसके साक्ष्यों का समर्थन ना करता हो, वह उसके तथ्यों का समर्थन ना करता हो, ऐसा व्यक्ति कैसा कहलाता है? पक्षद्रोही साक्षी कहलाता है। ठीक है, तो पक्षद्रोही साक्षी, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा, ये तीन परीक्षाओं के क्रम के बाद, ठीक है, इन तीन परीक्षाओं के क्रम के बाद क्या होता है? फिर परीक्षण हो गया, सारी एविडेंसेस क्या कर ली गए? रिकॉर्ड कर लिया गया, सारे एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड कर लिए गए। एविडेंस के रिकॉर्ड करने के बाद न्यायालय क्या करता है? कंक्लूजन पर पहुंचता है, निष्कर्ष पर पहुंचता है। क्या निष्कर्ष पर पहुंचा? सारे जो सबूत रहते हैं उनके अध्ययन और उनके रीडिंग के बाद न्यायालय पहुंचता है इस निष्कर्ष पे कि क्या वास्तव में अभियुक्त ने अपराध किया है या नहीं किया है। यदि अभियोजन अपना मामला संदेह से परे साबित कर ले जाता है, संदेह से परे का अर्थ होता है कि किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रह गया कि मुलजिम ने ही अपराध किया है, यदि जरा सा भी डाउट है तो कानून की मंशा यह है कि 100 निर्दोष 100 दोषी छूट जाएं पर एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। ये हमारे कानून का मकसद है कि भले भी 100 गुनहगार छूट जाएं पर किसी एक निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं होनी चाहिए। जरा सा भी कहीं यदि डाउट है तो तुरंत बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो मुलजिम को दे दिया जाएगा और उसको फ्री कर दिया जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा। यहां पर दो प्रकार के निष्कर्ष निकल के आते हैं, या तो अपराधी क्या होगा? दोषी होगा या निर्दोष होगा। यदि निर्दोष है तो यहां पर तुरंत उसको कैसे किया जाएगा? एक कुटल कर दिया जाएगा, दोष मुक्त कर दिया जाता है, दोष मुक्त करके उसे छोड़ दिया जाएगा। और यदि यहां पर वो दोषी पाया जाता है, ठीक है, तो उसको दोष सिद्ध किया जाता है कि आपने जो अपराध किया था, आपके ऊपर जो अपराध लगाए गए थे वो साबित हो गए। जब दोषी ठहरा दिया जाएगा तो फिर यहां पर दोषी ठहराए जाने के बाद सजा के बिंदु पर सुना जाता है, सजा के बिंदु पर सुनवाई होती है कि चलो भैया ये तो साबित हो गया कि इस व्यक्ति ने धारा 379-452 के तहत घर में घुसकर चोरी का अपराध किया है। 452 है घर में घुसना और 379 है चोरी। 452 और 379 दोनों अपराध साबित हो जाते हैं। अब दोनों अपराध के लिए, चोरी के लिए मैक्सिमम पेनाल्टी 3 वर्ष है, घर में घुसने के लिए मैक्सिमम पेनाल्टी 3 वर्ष है। अब चलिए यहां सजा के बिंदु पर न्यायालय सुनेगा, सजा के बिंदु पर सुनेगा तो न्यायालय दोनों पक्षकार से, पीड़ित से भी और अभियोजन से भी, यह पूछेगा कि कैसी सजा दी जाए इनको, कितनी सजा दी जाए। ठीक है, क्या पूछेगा कि कितनी सजा दी जाए। जब सजा का ऐलान होगा कितनी सजा दी जाए, ठीक है, तो सजा के बिंदु पर अभियोजन क्या कहता है? अभियोजन तो हमेशा यही कहेगा ना भैया कि ज्यादा से ज्यादा सजा दी जाए, और जो पीड़ित व्यक्ति है, जो अभियुक्त है, वो क्या कहेगा कि भैया कम से कम इनको सजा दी जाए, कम से कम सजा में इनको निपटाने का प्रयास किया जाए। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में हम देखेंगे कि किस प्रकार से इनको सजा दी जाए, कितनी मैक्सिमम पेनाल्टी, कितनी कम से कम पेनाल्टी में इनको सजा दी जाए। तो यहां न्यायालय का विवेकाधिकार होता है, यहां न्यायालय समझेगा कि कितनी सजा उसको, मैक्सिमम कितनी सजा देनी है। ठीक है, उसके बाद सजा देने का ऐलान करने के बाद न्यायालय क्या करता है? मुलजिम व्यक्ति को जेल वारंट बनाकर जेल भेज दिया जाता है, और उसके बाद फिर वहां से उसको जेल अथॉरिटीज में रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहां तक उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें
बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। आज ये सीआरपीसी का एक ब्रीफ था जो मैंने आपको दे दिया है। अब इसके बाद की चीजें कल जो है नेक्स्ट क्लासेस में हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।